हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने वॉच टाइम को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो अगर हम लोग अप्लाई करें तो लोगों का वॉच टाइम जरूर बढ़ेगा। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो 2023 में चल रहा है, अब यूट्यूब जो है वो व्यूज़ के अपेक्षा वॉच टाइम को ज़्यादा महत्व दे रहा है, क्योंकि अगर वॉच टाइम ज़्यादा होगा और ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होगा तभी आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। और उसने ये भी फैसिलिटी दे दी है कि आप लॉन्ग के साथ शॉर्ट वीडियो को डाल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन वॉच टाइम नहीं आता है। तो शॉर्ट जो होता है वो लॉन्ग के लिए ब्रिज का काम करता है। लॉन्ग में इसके थ्रू आपका वॉच टाइम बढ़ता है और शॉर्ट के थ्रू व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द ऑडियंस। और ऐसा भी आपको पता है कि YouTube 45% खुद रख लेता है और 55% आपको प्रोवाइड करता है जो भी ऐड आपके वीडियो पे आते हैं। तो अगर वीडियो आपका लॉन्ग नहीं होगा तो आपके एड्स कम चलेंगे, और लॉन्ग वीडियो होगा तो कई एड्स चलेंगे, तो आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी। लेकिन तभी अच्छी होगी जब आपका ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होगा और लोग ज़्यादा देर तक वीडियो को देखेंगे, जिससे अगर आपके वीडियो पर 5 और एड्स हैं तो 5 ऐड वो देखेंगे, और जिससे क्या होगा आपकी अर्निंग भी इंक्रीज़ करेगी। तो वॉच टाइम के साथ साथ आपकी अर्निंग भी तभी इंक्रीज़ होगी जब ऑडियंस का रिटेंशन ज़्यादा होगा। अगर शॉर्ट वीडियो को 50% लोग देखते हैं और लॉन्ग वीडियो को आपका 20% 30% भी लोग देखते हैं, तो लॉन्ग वीडियो पे वॉच टाइम ज़्यादा बढ़ेगा और अर्निंग भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में YouTube जो आपके वीडियो पे 5 एड्स देता है, और अगर ज़्यादा देर तक आपका ऑडियंस आपके वीडियो को देखेगा तो आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा और अर्निंग भी बढ़ेगी। ऑडियंस को रिटेंशन कैसे हो पाएगा? जब आपके वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और वीडियो की क्वालिटी कब अच्छी होगी? जब आपने अपने ऑडियंस के कमेंट्स को पढ़ करके उनके उनसे रिलेटेड वीडियो बनाया है, जिसकी उनको क्यूरी है कि कैसे हम यूट्यूब पे सस्टेन करें और यूट्यूब पे कैसे काम करें जिससे कि वॉच टाइम बढ़े। ज़्यादातर यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका वॉच टाइम पूरा नहीं होता है। तो इस टॉपिक पर वीडियो अगर आप प्रॉपर ढंग से बनाते हैं तो लोग आपका वीडियो ज़्यादा देर तक देखेंगे। तो आप अपने वीडियो में सबसे आगे ये बता दीजिए कि आप क्या बताने वाले हैं, और अंत बीच में भी कुछ आप अपने वीडियो में अच्छा बताइए, और लास्ट के लिए भी कुछ सस्पेंस छोड़ दीजिए जिससे कि आपका वॉच टाइम बढ़े और लोग कंटिन्यूअस आपके वीडियो को देखें। बेस्ट टाइम क्या है वीडियो को अपलोड करने का, ये भी जानना जरूरी है। अगर आप बेस्ट डे और बेस्ट टाइम जान लेते हैं अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स को एनालाइज करके, तो आपका वीडियो उस टाइम जब आप डालिएगा तो आपके व्यूअर्स ज़्यादा एक्टिव होंगे और आपको ज़्यादा व्यू मिलेगा। हम एक और वीडियो बना देंगे कि बेस्ट टाइम क्या है, उसको कैसे एनालाइज करें। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो हम एक वीडियो बना देंगे उस हिसाब से अपने चैनल का बेस्ट टाइम एनालाइज करके। उस टाइम समय जब अपने वीडियो को डालिएगा तो आपके वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और आपका वीडियो वायरल होगा। YouTube के कुछ फ्री टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने वॉच टाइम को बढ़ा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है प्लेलिस्ट। तो आप अपने प्लेलिस्ट में जो भी टॉपिक कवर करते हैं उसको एपिसोडिक फॉर्म में बनाइए, मींस सीरीज फॉर्म में बनाइए, कि एक के बाद एक वीडियो आपका व्यूवर्स लगातार देखता जाए और उसका इंटरेस्ट मेंटेन हो, और एक वीडियो को दूसरे से रिलेट करते हो तो एक वीडियो के बाद वो दूसरा वीडियो तभी देखेगा जब उसका आपको पहला वीडियो जिसमें आप उसको ट्रिक्स बता रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है, और उससे रिलेटेड दूसरा वीडियो वो तब देखेगा जब आप उसको रिकमेंड करिएगा, जो वीडियो आप बना रहे हैं उसके कुछ टॉपिक को वो कवर करेगा। तो एक की जगह वो कई वीडियो देखेंगे जिससे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। अब वॉच टाइम के दूसरा टूल है, इसमें आपका एंड स्क्रीन होता है। एंड स्क्रीन में आप अपने उस वीडियो को दे सकते हैं जो इस सीरीज के दूसरा चैप्टर है। अब जैसे आपने दिया वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, फिर दूसरा आपने दिया कि वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपको
प्रॉपर टाइम चाहिए। फिर आपने उसी में दिया कि प्रॉपर टाइम देने ही से केवल नहीं होगा, आप वीडियो को अच्छे से अपलोड करना भी जानिए। तो अगर आप प्रॉपर अपलोड करते हैं और आपको प्रॉपर अपलोड का तरीका पता है, तभी आप अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो और आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा। तो जब आपको आपका ये वाला वीडियो उसको पसंद आएगा तो वह आपका टाइम वाला वीडियो भी देखेगा और कैसे वीडियो को अपलोड करें इसको भी देखेगा, और आपका वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा क्योंकि वो व्यूअर्स आपके एक वीडियो की जगह तीन वीडियो देख रहेगा। नेक्स्ट वीडियो दिखाना चाह रहे हैं उसका लिंक दे दीजिए, जिससे कि इस वाले वीडियो को देखने के बाद वो आपके आई बटन से दूसरे वीडियो को भी देखें। अपने ऑडियंस को भी जानना होगा कि ऑडियंस क्या देखना चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे वो इंटरेस्टेड हैं, तो उसी टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियो को देखें। वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा, जब वो आपके वीडियो को 50% से ज़्यादा देख रहा है और आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ रहा है, तो ऑडियंस रिटेंशन तभी बढ़ेगा जब ऑडियंस की डिमांड का वीडियो बनाइएगा और उससे रिलेटेड टॉपिक चूज करिएगा, तो आपका वीडियो वायरल भी होगा और आपके वीडियो पे वॉच टाइम भी ज़्यादा आएगा। तो YouTube वॉच टाइम स्ट्रेटेजी आपकी चार हो गई। पहला ये है कि पोस्ट लॉन्गर वीडियो इन स्पाइट ऑफ शॉर्ट वीडियो टू गेट मोर वॉच टाइम एंड ऑडियंस रिटेंशन। सेकेंड है राइट टाइम अपलोड करिए वीडियो को। फ्री यूट्यूब टूल्स को यूज़ करिए जिसमें आपका प्लेलिस्ट, स्क्रीन एंड स्क्रीन और आई कार्ड आता है जो आपको टोटली फ्री मिलता है। आप उसको यूज़ करके अपने व्यूअर्स को ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए प्रमोट कर सकते हैं, और अपने ऑडियंस को जानिए और उनके हिसाब से वीडियो को बनाइए कि वो क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उस पर वीडियो मत बनाइए, वो वीडियो बनाइए जो ऑडियंस चाह रहे हैं। प्लस आपका किस दिन में किस टाइम पे वीडियो आप अपलोड करिए, ये एनालिसिस आप यूट्यूब के एनालिटिक्स में जाके कर सकते हैं। आप अपने वीडियो को एवरग्रीन बनाइए, ऐसा ना हो कि जिस समय आप अपलोड कर रहे हैं उस समय तो वीडियो लोग देख रहे हैं लेकिन बाद में उस वीडियो को ना देखें। अगर एवरग्रीन वीडियो बनाइएगा तो लोग बाद में भी आपके वीडियो को देखेंगे। वीडियो को कंसिस्टेंटली अपलोड करने का मतलब है कि ये नहीं कि रोज आप वीडियो अपलोड करिए तभी आपका वीडियो देखा जाएगा। आपके वीडियो को लोग कॉन्स्टेंटली देखें, ऐसा टॉपिक चूज करिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियो को देखना पसंद करें। जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो कंसिस्टेंसी बढ़ेगी और आपको भी इंटरेस्ट आएगा जब आपके वीडियोस पे व्यूज आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो की क्वालिटी को अच्छा रखिए, ना कि क्वांटिटी को। क्वांटिटी उस समय मैटर करती है जब आपका वीडियो भी अच्छा हो, और जब अच्छा वीडियो बनेगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोग अगर आपके वीडियो को देख रहे हैं तो आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा। तो क्वांटिटी तभी सही है जब क्वालिटी भी अच्छी हो। ऑडियंस को जानने के लिए आप अपने कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करिए और उनसे क्वेश्चन भी पूछिए और उनकी क्यूरी को भी जानिए कि वो क्या आपसे जानना चाह रहे हैं, और उसका आंसर जब आप करिएगा और उससे रिलेटेड वीडियो बनाइएगा तो आपके वीडियो पे लोग ज़्यादा आएंगे और आपके वीडियो को देखेंगे, जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा। ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने के लिए आप ज़बरदस्ती अपने वीडियो को लॉन्ग करते जाइए तो ये भी ठीक नहीं है। आप उतना ही मैटर रखिए जितना कि लोग देखना पसंद करें, और तभी देखेंगे जब उसमें मैटर ऐसा हो जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। एंड को अनाउंस करने पे वो ऑडियंस ये समझता कि वीडियो अब ख़त्म होने वाला है और अब और कुछ मैटर नहीं है, तो वो आपका वीडियो छोड़ के चला जाएगा। आप हमेशा ये बोलिए कि आप कुछ ट्रिक अभी भी है जो हम आपको बाद में बताने वाले हैं और जो आपके वीडियो पे वॉच टाइम को बढ़ाएगा, तो वो फिर भी आपके वीडियो को देखता रहेगा। कुछ हमने अपनी एनालिसिस से वॉच टाइम बढ़ाने के तरीके जाने। अगर आपको ये मेरे तरीके पसंद आए हो, मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी क्या क्यूरी है, जिससे नेक्स्ट टाइम आपको वो वीडियो भी मिले जो इससे रिलेटेड है।
और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्रेस बेल दबाना पड़ेगा जिससे ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो को देख पाइए। थैंक यू।